7 अक्टूबर 2023 को पूरी दुनिया मध्य पूर्व की ओर देख रही थी। हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पर हमला करके लोगों को अंधाधुंध मारा और कई को अगवा कर लिया। इसराइल में भयानक क्रूरता हो रही थी। इसराइल भीतर तक हिल गया था। मैं वहीं पड़ी रही और सोचती रही, क्या मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ? मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर हम यहूदियों के लिए एक नया दौर है, होलोकॉस्ट के बाद से। ये अरब इसराइल संघर्ष के इतिहास का सबसे खूनी दिन है। ये इसराइली लोगों के लिए बहुत गहरा आघात था। हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां लगता है कि अब और नहीं। जवाब में इसराइल ने युद्ध छेड़ दिया। मकसद था हमास को खाक में मिला देना। लेकिन जब फलस्तीनियों पर बमबारी होने लगी और उन्हें भागना पड़ा, तो लगा जैसे उनका दर्दनाक अतीत खुद को दोहरा रहा है। 1948 में हुआ नकबा, जब उनका वतन उनसे छिन गया था। हम विस्थापन का सबसे भयानक रूप झेल रहे हैं, सबसे भयानक तरीके से। हम दहशत में हैं। मेरी नज़र में ये नकबा से भी बदतर है। मुझे लगता है कि गजा में जो कुछ हो रहा है, उसे बयां करने के लिए लोगों को शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने अपने परिवार के 70 सदस्य खो दिए। कल ही मैंने अपने कजन और उसके 2 बच्चों को खो दिया। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। 7 अक्टूबर के बाद से हिंसा और बढ़ती ही गई है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी भयानक हिंसा और ज्यादा हिंसा को जन्म दे रही है, जिसमें रहम का कतरा तक नहीं है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की तकलीफ पर जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाते हैं, उस भयंकर सदमे की वजह से जो उन्होंने अतीत में झेला है। दोनों ही पक्ष सदमे की हालत में हैं। वो इतने उन्माद में हैं कि उनकी साफ साफ सोचने की ताकत कुंद हो गई है। ये सदमे हैं क्या, और क्यों इजरायली और फलस्तीनी सदमे के इस सिलसिले को जिंदा रखे हुए हैं? अरब दुनिया के भविष्य के लिए 7 अक्टूबर के क्या मायने हैं? ये इजरायली इतिहास में आमने सामने लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध है। तो क्या कोई उम्मीद है? क्या कोई रास्ता है? गजा पट्टी 6 से 14 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी जमीन, जहां बहुत घनी आबादी रहती है। 7 अक्टूबर से पहले यहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। इन्हीं के बीच में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। ये वीडियो 7 अक्टूबर के नहीं है, ये गजा पट्टी में हमास की ट्रेनिंग के वीडियो है। वो इजरायली गांवों, इजरायली शहरों, इजरायली सैन्य ठिकानों और कैंपों के अलग अलग मॉडलों पर ट्रेनिंग कर रहे थे। वो ऐसा लगातार कर रहे थे। मैंने लड़ने वालों और अगवा करने वालों के बीच अंतर भी देखा, और आपने सारी योजना ट्रेनिंग के अलग अलग एंगल से देखी। हमास ने 7 अक्टूबर के लिए कई अलग अलग जगह लगभग खुले में ट्रेनिंग की। इजरायल भी देख सकता था कि क्या हो रहा है। हमने ये वीडियो 7 अक्टूबर से पहले देखे थे। हमें 7 अक्टूबर से पहले ही उनका पता था। मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि इन वीडियो के अलावा भी बहुत कुछ है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि और भी खुफिया जानकारी है। ये वीडियो भी खुफिया जानकारी है, तो हमने इसे देखा। हमें एक दशक से प्लान का पता था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि सिनवार का इरादा इस हद तक जाने का है। हमास नेता याहिया सिनवार को 7 अक्टूबर का एक मास्टरमाइंड माना जाता है। लेकिन हमास ने ये वीडियो इंटरनेट पर क्यों डाले? उसने अपना प्लान क्यों खोल दिया? हमास भी दूसरे संगठनों की तरह प्रचार और प्रोपेगेंडा चाहता है, और मेरे ख्याल से वो लोगों को अपने पीछे लामबंद कर रहे थे। वो स्वीकार्यता चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि वो कितनी अच्छी तरह संगठित हैं, सैन्यकृत हैं,
और वो एक बहुत ही विकसित सैन्य संगठन की तरह काम कर रहे हैं। इजराइल ने ये वीडियो गंभीरता से नहीं लिए। एक समस्या थी अहंकार और ये भावना कि हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमें सबसे अच्छी समझ है, सब कुछ बेस्ट बेस्ट बेस्ट। उन इजरायली जनरलों के लिए, उन सबके लिए नहीं, ये किसी सेना के आम रूटीन जैसा था। लेकिन इस केस में हमास आतंकी सेना कयामत के दिन की ट्रेनिंग ले रही थी। उन्होंने इसे जल्दी ही होने वाले हमले की असल तैयारी की तरह नहीं देखा। हमें पता था कि हम ऐसे आतंकी संगठन का सामना कर रहे थे जो हमेशा हमें खत्म करना चाहेगा, लेकिन हम ये बात मान नहीं रहे थे। हमने सोचा कि वो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं, यही कहा था हमने, जो कि गलतफहमी थी। गजा पट्टी की सीमा पर इजराइल की तरफ रहने वाले ज्यादातर लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि फलस्तीनी इलाके की तरफ एक बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है। इस बाढ़ के ठीक पीछे नीर ओज किबुत्स है, यहाँ करीब 400 लोग रहते थे। हदस काल्देरोन भी यहीं रहती थी। हम बाढ़ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर रहते हैं, गजा से नहीं बल्कि बाढ़ से। बाढ़ के पार खान यूनिस और दूसरे अरबी गांव हैं। ज्यादातर किबुत्स की तरह नीर ओज भी खेतीहर इलाका है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग वामपंथी और लिबरल थे। मैं यहीं पैदा हुई हूं, तेल अवीव में रही, दुनिया घूमी, फिर लौट आई और परिवार शुरू किया। मैं अपने पति ओफर से मिली, जो अब मेरे एक्स हस्बैंड हैं। हमारे 4 बच्चे हैं और मैं वैकल्पिक इलाजों का क्लिनिक चलाती हूं। हालात शांत नहीं थे, क्योंकि उन 20 सालों में रॉकेटों से बहुत सारे आतंकी हमले हुए। किबुत्स में जिंदगी जन्नत और जहन्नुम के बीच में कहीं थी। ज्यादातर वक्त ये स्वर्ग जैसा था, देहाती, शांत, हरा भरा, सुहाना। लेकिन साल में 1 या 2 बार ये जहन्नुम बन जाता था। बच्चे इन्हीं हालात के साए में बड़े हुए, उन्हें एंग्जाइटी होने लगी थी, खासकर मेरे छोटे बेटे एरेज को। वो अकेले रहने से डरता था, मुझे हर रात उसे सुलाना पड़ता था। हमने कई बार सोचा कि कहीं और चले जाएं, पर ये इतना आसान नहीं है। फिर भी भीतर से आप जानते हैं कि बच्चों का इस तरह बड़ा होना ठीक नहीं है, लेकिन हमारी जड़ें यहीं पर हैं, ये घर था। बाढ़ के इतने पास रहना बस इसीलिए मुमकिन था क्योंकि इजरायली सरकार ने सुरक्षा की गारंटी दी थी। सुरक्षा सही शब्द नहीं है, हमारे लिए ये हमारे वजूद की लड़ाई है, यही हमारा सार है जो हमें जिंदा रखे हुए है। ये सुरक्षा जितनी साधारण बात नहीं है। मुझे जितने नेता याद आते हैं, वो सभी सुरक्षा देने के वादे पर चुनाव लड़ रहे थे। आप सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं। Not because of the economic situation. इजराइल के लिए बड़ा आघात ये है कि यहूदियों ने दुनिया में कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया है। यहूदियों के तौर पर हम हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमें मार देना चाहते हैं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, दक्षिण में, उत्तर में, कहीं विदेश में, हर जगह कोई ना कोई होगा जिसे लगता है कि हम उचित नहीं है, कि हमें जीने का हक नहीं है। हम अपने माता पिता की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमने सुना है कि उनमें से कुछ होलोकॉस्ट से वापस आए थे, उनकी हत्याएं की गई हैं, उन्हें पूरे यूरोप में कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाता था और मध्य पूर्व में भी। तो ये एक तरह की मानसिकता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं और हमें बस हमेशा चौकन्ना रहना होगा। नरसंहार और होलोकॉस्ट का एक लंबा इतिहास। इजराइल में रहने वाले यहूदी ये पीड़ा आज भी झेल रहे हैं।
ये वो देश है जो शोआ यानी होलोकॉस्ट के बाद बनाया गया था। ये राख से उठकर खड़ा हुआ है दुनिया भर के यहूदियों का एक स्वर्ग बनने के लिए। और इसराइल दुनिया की वही एक जगह माना गया जहां यहूदी सुरक्षित महसूस कर सकते थे। लेकिन सही मायनों में सुरक्षा मिली नहीं। संयुक्त राष्ट्र में यहूदी देश बनाने का प्रस्ताव आया जिसे पड़ोसी अरब देशों ने खारिज कर दिया। उनमें से पांच ने इसराइल पर हमला कर दिया। होलोकॉस्ट इकलौता सदमा नहीं है जिससे इजरायलियों को जूझना पड़ा है। 1948 में हुई आजादी की जंग भी थी जब आसपास के सभी अरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया था। ये देश हमेशा से जंग ही तो लड़ता रहा है। 48, 56, 67, 69, 70, 73, 82, 96, दो बार इंतिफादा और अब ये मौजूदा जंग। हम लगातार नियमित रूप से अपने विरोधियों से लड़ते और टकराते रहे। ये कभी नहीं रुका। मेरे ख्याल से आखिरकार एक दिन सुरक्षित होने की इस लालसा को समझे बिना इजरायली मनोविज्ञान नहीं समझा जा सकता। यहाँ इसराइल के दक्षिण में सुरक्षा की यही लालसा स्टील और कंक्रीट में बदल जाती है। 2005 में गजा से पांव खींचने के बाद इसराइल खुद को सुरक्षित रखना चाहता था। इसके लिए उसने बाड़ वाली एक अत्याधुनिक सीमा बनाई। 2021 में जब ये सीमा बनकर तैयार हुई तब इसकी अनुमानित लागत करीब 1 अरब यूरो थी। इस दीवार से हम दक्षिण के नागरिकों को सुरक्षा का एहसास देंगे और इस खूबसूरत इलाके को विकसित और समृद्ध होने का मौका देंगे। 65 किलोमीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची ये दीवार तकनीक से लैस है। इसमें निगरानी वाले कैमरे, हरकत पकड़ने वाले डिटेक्टर और अपने आप चलने वाली बंदूकें लगी हैं। इसे बनाया गया क्योंकि सीमा पर घटनाएं हो रही थीं। इसराइल को पता चला कि हमास सीमा के नीचे सुरंगें खोद रहा है ताकि अपने लोगों को किबुत्स के भीतर, गांवों के भीतर घुसा सके। आयरन वॉल, हम लोहे की एक दीवार, एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाएंगे जो किसी भी विरोधी को हमला करने से रोकेगी। साथ ही हमने गहराई में कई सेंसर लगाए हैं जो हमें तब अलर्ट कर देंगे जब कोई सीमा के नीचे से जाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई देश है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो। 7 अक्टूबर 2023 तक इसराइल मानता रहा कि ये सीमा पार नहीं की जा सकती और ये सुरक्षा की गारंटी है। मुझे लगता है कि गजा और वेस्ट बैंक की सीमाएं दो मकसद पूरा करती हैं। पहला, इसराइल की सुरक्षा की गारंटी देना, उन्हें किसी स्वैच्छिक घेटों के भीतर रखना। इसमें दीवार है, बाड़ है, जो लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए डिजाइन की गई हैं। लेकिन इनसे एक और मकसद भी पूरा होता है। ये सुनिश्चित करती हैं कि इसराइलियों को फलस्तीनियों से डील ही न करना पड़े। वो दीवार के पीछे, बाड़ के पीछे गायब हो जाते हैं। इस तरह किसी को उनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ती, कोई बात नहीं करनी पड़ती। इसराइल को अब बार बार उनका ध्यान नहीं आता। वो वहाँ हैं, हम यहाँ हैं। इससे जहन को तसल्ली रहती है। मुझे लगता है कि इसराइली इस बारे में नहीं सोचना चाहते कि फलस्तीनी गजा में कैसे रहते थे या कैसे रह रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक है। इस बारे में ना सोचना आसान है। लोग दिलचस्पी खो चुके हैं। मैं खुद टीवी में काम करता हूँ। हम इसराइल के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क में बैठे हैं। अगर हम गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हो रही चीजें बहुत ज्यादा दिखाते हैं तो हम दर्शक खो देते हैं। ये कहना ठीक होगा कि लोग नहीं सुनना चाहते कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारी अपनी तकलीफें ही इतनी ज्यादा हैं, हम वो नहीं सुनना चाहते। वो डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं।
इसी वजह से तो लोग अरबी नहीं सीखना चाहते हैं। ये एक ही बात है, वो उस भाषा से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो इन लोगों से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो उन्हें दुश्मन लगते हैं। मैं ये बात बतौर तथ्य जानती हूँ कि जो लोग होलोकॉस्ट से भाग कर आए थे वो जर्मन भाषा नहीं सुनना चाहते थे, वो जर्मनी नहीं जाना चाहते थे, वो उस चीज से पूरी तरह अलग होना चाहते थे। मुझे लगता है कि अरबी के साथ भी यही हुआ, वो दुश्मन की जबान बन गई। और वो दुश्मन यहाँ रहता है, गजा सिटी में। बाड़ के दूसरी तरफ इजराइल में घुसने के लिए दो ही बॉर्डर क्रॉसिंग है। इजरायली सरकार आने जाने वाली हर चीज को नियंत्रित करती है। बशर अल बलबीसी यहीं पैदा हुए, उन्होंने फार्माकोलॉजी की पढ़ाई की है। जंग होने से पहले वो अपने माता पिता की फार्मेसी में काम करते थे। बाढ़ के पार हर दिन एक जंग है, जंग से पहले भी। मैं 23 साल का हूँ, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा है जब गजा में बिजली ना गई हो। यहाँ के लोग गरीबी और पाबंदियों में रहते हैं। इजरायली कब्जे से हम लगातार दबाव में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना देश छोड़ दें। वो पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बहुत लंबे समय से फलस्तीनी लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, खासकर यहाँ गजा में हम लोगों पर। ये नाकेबंदी, सफर करने में दिक्कतें, अपने लिए सपने देखना, कहीं आना जाना, सब कुछ बहुत मुश्किल है। 7 अक्टूबर से पहले भी बहुत सारे लोग अवसाद में थे और विस्थापित हो रहे थे, लेकिन बशर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। फलस्तीनियों का नेशनल डांस दाबका उनका पैशन है। बशर गजा के बेहतरीन डांसरों में से एक है, वो नियमित रूप से परफॉर्म करते थे। फिर जंग शुरू हो गई। दाबका करते समय मुझे लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ, किसी भी चीज ने मुझे जकड़ नहीं रखा है। मैं आजाद महसूस करता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, मैं छलांग लगा सकता हूँ, मैं भीतर की हर चीज जाहिर कर सकता हूँ। बशर के लिए डांस थेरेपी की तरह है, सामूहिक थेरेपी। ये हमेशा से ऐसा ही था। हम हर हमले के बाद मलबे और राख पर डांस करते हैं, हम दर्द के बीच में मुस्कुराते हैं, यही इसे बयां करने का सबसे अच्छा तरीका है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग अपने सपनों और उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। हम दूसरे लोगों से जरा भी अलग नहीं हैं, बस उनके पास मौके हमसे ज्यादा हैं। बशर मानते हैं कि डांस में जख्म भरने की ताकत है। जंग के दौरान हम बच्चों को आसान तरीके से दाबका डांस करना सिखाते हैं ताकि वो अभ्यास कर सकें और इसे महसूस कर सकें। ये उनका ध्यान भटकाने का एक जरिया है। दाबका सिखाना खासकर बच्चों को बीज बोने जैसा है जो फलेगा फूलेगा। हमारा मकसद उन्हें सबसे अच्छा डांसर बनने की ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने घर से जोड़ना है, उस मिट्टी से जोड़ना है जो उनकी है। इन सभी युवाओं की तरह बशर भी सिर्फ कहानियों में अपने घर गए हैं। गजा की करीब 70% आबादी विस्थापित और भागे हुए लोगों की वंशज है। हमारे परिवार अक्सर 1948 में हुए नकबा की बात करते थे, वो कैसे भागे, किन हालात में उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, वो कैसे बचे। हमने पूछा कि क्या उन्हें अचानक भागना पड़ा था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कब्जा कितना बर्बर था, वो इतने दबाव में थे कि उन्हें भागना पड़ा। नकबा, फलस्तीनी इतिहास की वो घटना जिसका सबसे दूरगामी असर पड़ा। नकबा शब्द का अर्थ तबाही होता है, यही वो शब्द है जिसे फलस्तीनी उन घटनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं जो 1947-48 में हुई थी। 1948 में आसपास के सभी अरब देशों ने इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया। ये संघर्ष अरब हमले से बचने के लिए रक्षात्मक युद्ध की तरह शुरू हुआ था। संघर्ष के दौरान इजराइल ने बहुत सारी जगहों से फलस्तीनियों को खदेड़ दिया या नरसंहार के डर से फलस्तीनी खुद ही भाग गए। नकबा
फलस्तीन की ऐतिहासिक जमीन से गैर यहूदी आबादी का अधिक से अधिक जातीय सफाया करने का सोचा समझा और रणनीतिक अभियान था। मुझे लगता है कि इसका फलस्तीनी मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर पड़ा। नकबा की दास्तानें फलस्तीनी परिवारों के दिलो दिमाग में अब तक धधक रही हैं। एक से दूसरी पीढ़ी तक जाती हुई इस तरह ये सदमा जिंदा रहता है। जैसे कि मैंने अपनी दादी से सुना, वो जब कभी जासमीन का कोई सुंदर पेड़ देखती थी तो कहती थी कि ये वैसा ही जासमीन पेड़ है जैसे हमारे पास जाफा में था। मेरे अब्बा के पास उनके घर की चाबी आज तक है। हमारे अब्बा हमें बर्शीबा की हमारी जमीन दिखाने ले जाते थे। मुझे याद है कि बचपन में हम एक बार मेरी आंटी के यहाँ गए थे और वहाँ एक शादी थी और हमें भी बेहद खुशी हो रही थी कि आखिरकार हमने वो जमीन देखी। ये घटना फलस्तीनी इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीधा सदमा लगा था। ये बस एक घटना नहीं है, ये लंबे समय तक रहने वाला सदमा है। 1948 की जंग के बाद बहुत सारे फलस्तीनियों को लौटने की इजाजत नहीं थी। उनके और उनकी अगली पीढ़ियों के पास आज तक घर नहीं है। नकबा हर चीज का आधार है, ये हर चीज का आधार है, यही उन्हें प्रेरणा देता है। इसी से विचारधारा पैदा होती है, इसी से हिंसा, आक्रामकता, गुस्सा और अपमान उपजता है। ये सभी भावनाएं नकबा से पैदा होती हैं, यही मुख्य बात है। ये धारणा कि अतीत में सब कुछ अच्छा हुआ करता था और घेरेबंदी की निराशाजनक हकीकत, ये कट्टरपंथ के पनपने के लिए बिल्कुल मुफीद हालात हैं। 7 अक्टूबर से पहले गजा में जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, आवाजाही पर पाबंदियां बहुत ही सख्त थीं और मानसिक स्वास्थ्य से जूझने वालों की दर सबसे ऊंची थी। अलग अलग सर्वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 90% से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों को एक या ज्यादा बार सदमा पहुंचा है। बम से, युद्ध से, रिश्तेदार के मरने से, उनका घर या स्कूल तबाह होने से। उनमें से बहुत सारे वाकई में डिप्रेशन और एंजाइटी का अनुभव कर रहे हैं। वो गुस्सा और आक्रोश महसूस कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि वो तब तक बाथरूम नहीं जाते जब तक उनकी माँ साथ में ना हो। उनमें से कुछ हमेशा वहीं रहते हैं जहाँ उनकी माँ होती है या माता पिता दोनों होते हैं, वो वहाँ से हिलेंगे ही नहीं। गजा के बहुत सारे फलस्तीनियों के लिए साफ है कि गलती किसकी है, हमास की नहीं, इसराइल की है। मार्च 2018 में गजा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। नकबा के 70 साल बाद हर शुक्रवार को हजारों लोग सीमा पर लगी बाड़ के पास जुलूस निकालने लगे। मेरे ख्याल से मार्च ऑफ रिटर्न फलस्तीनियों के तौर पर अपने वाजिब हक मांगने के लिए फलस्तीन के अहिंसक एक्टिविज्म का शानदार आयोजन था। सबसे पहले तो एक देश के तौर पर पहचाने जाने के लिए, एक देश के योग्य माने जाने के लिए, और ये भी पहचाने जाने के लिए कि 1948 में नकबा के जरिए हमें हमारे समुदायों, हमारी जमीनों और गांवों से खदेड़ दिया गया था, जातीय सफाई का अभियान चलाकर। ये फलस्तीनियों का ये कहने का एक और तरीका है कि हम यहाँ हैं, हम इंसान हैं, हमें एक देश मिलने का हक है, हम इस जिंदगी से थक चुके हैं, हम नाकेबंदी से थक चुके हैं, हम बमबारी से थक चुके हैं, हम हर दूसरे इंसान की तरह ही एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। करीब 2 साल तक हर हफ्ते हजारों फलस्तीनी प्रदर्शन करते रहे। माहौल में तनाव था और आक्रामकता बढ़ रही थी। हमास ने इस गुस्से का फायदा उठाया। ये फलस्तीनी थे जो गजा पर नाकेबंदी, लॉकडाउन और बंदिशों से बहुत ही ज्यादा निराश थे। हमास ने इस लहर का फायदा उठाया और इसकी शुरुआत में हमास का कोई हाथ नहीं था। गजा पट्टी में हमास के नेता याहिया सिनवार ने जल्द ही इस आंदोलन की कमान संभाल ली।
आज हमारे लोगों ने संघर्ष और राष्ट्रीय प्रतिरोध के इतिहास का एक नया दौर शुरू किया है। लोग आजादी और वापसी की राह पर निकले हैं। आज गजा, वेस्ट बैंक, 1948 में हथियाए गए हमारे इलाकों और विदेशों में रहने वाले हमारे लोग इस नए चरण और सही रास्ते की शुरुआत करने के लिए एक साथ आगे आ रहे हैं। इजरायली सरकार चौकन्नी हो गई थी जब फलस्तीनियों ने बाढ़ पर हमला किया तो सेना ने रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे। बीच बीच में गोलियां भी चलीं। जो भी बाढ़ की ओर बढ़ा उसकी जान खतरे में पड़ गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। बहुत सारे लोग, मासूम फलस्तीनी उस दौरान मारे गए, मार्च ऑफ रिटर्न के दौरान। ये उन लोगों की विफलता थी जिन्होंने ये शुरू किया था। यकीनन फलस्तीनियों के कुछ भी हासिल करने की अब तक की सारी कोशिशें लगभग नाकाम रही हैं। उन्होंने कूटनीतिक तरीका आजमाया, उन्होंने बातचीत की कोशिश की, उन्होंने ओस्लो संधि की, उन्होंने दो इंतिफादा किए और अब तक सब नाकाम रहा है। याहिया सिनवार ने मेरे ख्याल से उन सिलसिलों के खत्म होने के बाद से इसराइल के खिलाफ एक बड़े और ज्यादा नाटकीय हमले के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जाहिर है कि ये 7 अक्टूबर था। हमास की कमान और गजा का नेतृत्व 2017 से याहिया सिनवार के पास है। याहिया सिनवार निश्चित रूप से 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है। मैं उससे मिला हूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि मैं उसे कितना जानता हूं। वो बड़ा शातिर, चालाक और दिमाग चलाते रहने वाले लोगों में से है। वो कहते हैं कि वो लगभग साइकोपैथ है, पता नहीं। वो बहुत करिश्माई है, उसका व्यक्तित्व बड़ा ठोस है, वो बहुत सख्त है और जाहिर है कि वो बड़ा क्रूर है, बहुत क्रूर। अगर आप सिनवार जैसे किसी की प्रोफाइल बनाए तो ये ऐसा आदमी है जिसके लिए विचारधारा सबसे अहम चीज है। सिनवार का घोषित लक्ष्य इसराइल को खत्म करना और देश के सारे यहूदियों को मारना है। हमारे देश के लोग और हमारी जनता बाढ़ की तरह सरहदों के पार चली जाएगी और तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। वो तुम्हारे शरीर में कोई खंजर घोप देंगे, किसी कार से तुम्हें रौंद डालेंगे या मोलोटोव कॉकटेल से तुम्हारे कलेजे राख कर देंगे। सिनवार 1962 में गजा पट्टी में पैदा हुआ था। उसके माता पिता शरणार्थी थे। हमास बनाने वालों में सिनवार का भी नाम है। सबसे कट्टर आवाजों में से एक सिनवार को 20 की उम्र में इसराइल ने जेल की सजा दी थी। उसे उम्र कैद हुई थी। उसे फलस्तीनी मुखबिरों को मारने के लिए जेल हुई थी, इसराइलियों को मारने के लिए नहीं। सिनवार ने जेल में रहते हुए अपने दुश्मन को और पढ़ा। तेज दिमाग ने सिनवार को इजरायल के लिए और खतरनाक बना दिया। 22 साल इजरायल की अलग अलग जेलों में रहा। उसने जितना हो सका उतना पढ़ा। वो बहुत अच्छी हिब्रू बोलता है। इसराइल के इतिहास के साथ साथ हॉलोकॉस्ट और पहले हुए नरसंहारों के बारे में पढ़कर उन्होंने यहूदी लोगों की भावनाओं और ट्रॉमा को समझा। ऐसा लगता है जैसे याहिया सिनवार ने इसराइली मानसिकता का अध्ययन किया ताकि पता लगा सके कि इजरायली लोगों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ कैसे दी जाए। ऐसा लगता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि इजरायलियों को कैसे हलकान करना है। सिनवार के साथ के कैदी उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। उसने कैदियों के बीच खुद को एक नेता की तरह स्थापित कर लिया और खुद को क्रूर और हिंसक साबित किया। 2011 में कैदियों की अदला बदली में सिनवार को उसके कुछ वफादार समर्थकों के साथ रिहा किया गया था। नेतन्याहू ने उसे रिहा किया हजार अन्य फलस्तीनी कैदियों के साथ ताकि एक इजरायली सैनिक गिलाद शलीत को वापस लाया जा सके। वो 2011 में 5 साल से फलिस्तीनियों की कैद में था।
जनमत का भारी दबाव था और एक समय आया जब बीबी इस नतीजे पर पहुंचे कि शर्तें मानकर कैदी रिहा कर देना राजनीतिक रूप से उनके लिए बुद्धिमानी होगी, जबकि सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। हालांकि मैंने एक बार भी इस सौदे की निंदा नहीं की है। उस दिन मैं और मेरे दोस्त वहां जेल में खड़े रो रहे थे जब हम उन हत्यारों को आजाद होते देख रहे थे जिनका हमने सालों तक पीछा किया था। वो हमास के फीतों और झंडों के साथ जा रहे थे। मेरे लिए वो काला दिन था, ये त्रासदी थी। सिनवार का किसी हीरो की तरह स्वागत हुआ। आगे चलकर 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड बने इस शख्स ने हमास की सत्ता पर अपना असर बढ़ाना तुरंत शुरू कर दिया था। वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में कामयाब रहा। जेल से बाहर आते ही वो अपने साथी कैदियों को रिहा कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बातें कर रहा था। हमें मानना होगा कि सिनवार ने सीखा कि इजरायली किसी भी अपने को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये उसके लिए सभी कैदियों को छुड़ाने की योजना है, जो कि फलस्तीनी समाज के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। वो खुद को कैदियों के रक्षक और कैदियों के मसीहा की तरह पेश करके समाज में लोगों के दिल और दिमाग जीतता है। इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों की तकदीर गजा में बड़ा मुद्दा है। सिनवार को पता है कि इजरायली बंधकों के बदले उन्हें रिहा कराया जा सकता है। उसके काम इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो जान गया था कि बंधक बनाना बहुत असरदार हो सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसने तय किया कि कुछ और भी बड़ा किया जा सकता है। मैं बहुत सारे कैदी रिहा करा सकता हूं, लेकिन इससे भी बड़ा होगा कि मैं इजरायली सुरक्षा की, इजरायली आत्मविश्वास की नींव हिला सकता हूं। वो उसी तरफ बढ़ रहा था। शुरुआत में इजरायल को ये योजनाएं नहीं पता थी। ऐसा लगा कि सिनवार का ध्यान गजा और अपनी ताकत बढ़ाने पर है। सिनवार जेल से अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ निकला था। बहुत जल्द उसने सारे नेता किनारे लगा दिए। इस्माइल हानिया भी, जो गजा में तख्ता पलट के बाद से हमास सरकार के प्रधानमंत्री थे। हानिया जो 2024 में तेहरान में मारे गए, कतर के लिए निकले। सिनवार और उसके लोगों ने वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने पोलित ब्यूरो पर कब्जा कर लिया, उसमें सैन्य शाखा के लोग भर दिए। बैसाखियों पर आ चुका राजनीतिक नेतृत्व गजा से बाहर भेज दिया गया। वो सत्ता के केंद्र को गजा लेकर आया। तो पिछले एक दशक में पहली बार हमास का पावर सेंटर गजा में था, ना कि विदेश में किसी निर्वासित सरकार के साथ। 2017 में हुए आंतरिक चुनावों में याहिया सिनवार को गजा में हमास प्रमुख बना दिया गया। उसे पता था कि अपने लोग कैसे संगठित करने हैं। हमास ने खुद को स्थापित कर लिया है और फलस्तीनी चेतना में जड़ें जमा ली हैं। भले ही हमें अच्छा लगे या ना लगे, भले ही हम स्वीकार करें या ना करें, मैं निजी तौर पर कहूंगा कि मैं हमास की कही सारी बातों से सहमत नहीं हूं। जब आप पीड़ित होते हैं, जब आप पर जुल्म होता है, जब आप रोज पीटे जाते हैं और तब आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाया जाता है, तो आप वो हाथ थाम लेते हैं बिना ये सोचे कि वो हाथ किसका है। इतनी सीधी सी बात है। तो सिनवार इस विजन के साथ आया कि वो स्पेशल फोर्स नुखबा बनाएगा जिन्होंने इसराइल पर हमला किया। वो हमास के लिए इसराइल के खिलाफ पहले से कहीं बेहतर ढंग से लड़ने की संभावनाएं बनाएगा। इसराइल के खिलाफ जंग में एक अहम हथियार है सुरंगें। हमास शासन में पिछले कुछ सालों में पूरी गजा पट्टी में जमीन के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया गया है।
टनल उनके लिए इजरायली वायुसेना के हमले से बचने की जगह है। इससे उन्हें भी वो सारी जमीन मिल गई जहां वे मिसाइल और रॉकेट बना रहे हैं ताकि इजरायल हवा से बमबारी ना कर सके। कहते हैं कि गजा पट्टी में 1000 से ज्यादा सुरंगें हैं, कुछ तो कई किलोमीटर लंबी हैं। इस नेटवर्क को गजा मेट्रो कहते हैं। सुरंगें बनाना और उनका संचालन दोनों हमास के नियंत्रण में हैं। इनमें हथियार बनाए जाते हैं और दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। हमास के लड़ाके रॉकेट बनाने के लिए पानी के पाइप खोद देते हैं, जैसा कि हमास ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए इस वीडियो में दिखाया है। पानी के पाइपों के बारे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बात है। जीने के लिए जरूरी पानी ले जाने वाले पाइपों से जान लेने के हथियार बनाए जा रहे हैं। ये हमें हमास लड़ाकों की मनह स्थिति बताता है। ये असल में मौत की सनक बन गया है। कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा में जिंदगी का सार परलोक है, ना कि इस दुनिया का जीवन। हमें ये समझ नहीं आता है क्योंकि हमारी सोच पश्चिमी है। हमास का एक ही लक्ष्य है, इसराइल को मिटाना। उनकी निगाह में ये बाकी हर चीज से ज्यादा जरूरी है, जनता की भलाई से भी ज्यादा। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स इन पाक जंग में शैतान के खिलाफ रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल जायज है। बस इतना ही सरल है। हमास के पास भी ताकतवर सहयोगी हैं। मुझे यकीन है कि ये ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से हुआ है, क्योंकि वो भी अपने देश में ठीक यही कर रहे हैं। सितंबर 2020 में इसराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स साइन किया था। इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी, जिसमें बाद में मोरक्को और सूडान भी जुड़े। इसमें ध्यान कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पर था। फिर बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ तख्ता पलट हुआ और फलस्तीनी दरकिनार कर दिए गए। अमीरात गई पहली इसराइली फ्लाइट रिश्तों को सामान्य बनाने का प्रतीक थी। असल में जिस स्तर का सामान्यीकरण हो रहा था उसे देखकर बड़ी निराशा हुई। इजरायली यहूदी रोज लगातार विमानों से दुबई जा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, कारोबार हो रहा था और आवाजाही लगी थी। तो दोनों तरफ हम फलस्तीनियों के ऊपर से उड़कर जाना, जबकि हम इस कब्जे में पीड़ा झेल रहे थे। अब्राहम समझौता साइन करके और सऊदी अरब के साथ एक संधि करके नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार ने फलस्तीनियों को पूरी तरह दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल उस बच्चे जैसा बर्ताव है जो डरने पर या किसी चीज से निपटने में असमर्थ होने पर अपनी आंखें ढक लेता है। रिश्ते को सामान्य बनाने का एक अहम मोड़ वो था जब इजरायली राष्ट्रपति पहली बार अबू धाबी गए। इजरायल ने इस डील को बहुत अहम पड़ाव बताया, लेकिन फलस्तीनियों के लिए ये खतरा था जिसने उनके भविष्य के सवाल को हाशिए पर धकेल दिया। उन्हें ये विश्वासघात लगा और उन्होंने खूब गुस्से में विरोध जताया। मुझे लगता है कि फलस्तीनियों और अरब दुनिया के बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब्राहम एकॉर्ड्स उस पर दस्तखत करने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। वो अरब देशों की उम्मीदों, जमीर और ख्वाहिशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और यकीनन फलस्तीनियों का भी नहीं। और मुझे लगता है कि अब्राहम एकॉर्ड्स फलस्तीनी इतिहास और फलस्तीनी अधिकारों को नकारने का एक और जरिया है। फलस्तीनियों को व्यापक शांति से बहुत फायदे हो सकते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया पर वीटो नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़े अहंकार से सोचा कि वो ये तथ्य फलस्तीनियों के मुंह पर मार सकते हैं कि वो सऊदी अरब के साथ डील साइन करने वाले हैं। हालांकि सऊदी अरब ने जोर दिया था कि फलस्तीनी देश बनने की राह बनाना भी डील का हिस्सा होना चाहिए। पूरा मध्य पूर्व बदल जाएगा।
एक नया मध्य पूर्व जिसके नक्शे पर न तो गजा है और न वेस्ट बैंक, इसने फलस्तीनियों के पुराने सदमे को झंझना दिया। मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर के हमलों और जो समझौता हो रहा था उनके बीच सीधा नाता है, खासकर सऊदी अरब के साथ हो रहा समझौता, जहां गजा पट्टी, हमास और फलस्तीनी संकट के राजनीतिक समाधान की उपेक्षा की गई थी। मेरी राय है कि हमास भविष्य को लेकर होने वाली वार्ता में ज्यादा मजबूत पायदान दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा था, हाशिए पर धकेले जाने के बजाय। इसके अलावा वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में इजरायली बस्तियों का अनसुलझा मुद्दा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं। अब ऐसी 150 बस्तियां हैं जिनमें 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि हर 14वां इजरायली अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में रहता है। एक एक इंच जमीन पर झगड़ा है। नेतन्याहू की धुर दक्षिणपंथी सरकार वेस्ट बैंक पर, जिसे जुदेया और समेरिया इलाका कहा जाता है, उस पर दावा करती है। यहाँ बसने वाले अपनी राजनीतिक ताकत को लिक्विड और निजी तौर पर नेतन्याहू के लिए गिरवी रख सकते हैं ताकि वे इसराइल पर शासन करें, तो दुम कुत्ते को हिला रही है। इसराइल एक प्रोजेक्ट है, एक आंदोलन है, ये ऐसी चीज है जो हर समय बढ़ रही है। इसे हमेशा और ज्यादा जमीन और ज्यादा घर चाहिए। ये जमीन हासिल कर रहे हैं जहाँ कम फलस्तीनी हैं, कम फलस्तीनी ज्यादा जमीन, तो ये हमेशा नकबा की याद दिलाता रहता है। बहुत सारे फलस्तीनी उस अनुभव से बुरी तरह सदमा महसूस करते हैं जब सैनिक सीमा पार करने से पहले उनकी तलाशी लेते हैं। फलस्तीनियों के लिए सदमे की सबसे बड़ी वजह घर पर कब्जा करना है। जाहिर है कि कोई भी सैन्य कार्रवाई, कैसी भी इजरायली हिंसा फलस्तीनियों के लिए सदमे की वजह है। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के अपने अपने सदमे हैं। इजरायली सेना की हिंसा फलस्तीनियों को आतंकित करती है, जो स्वाभाविक भी है। उन्हें डर है कि उन्हें फिर से भगा दिया जाएगा, फिर से भागने पर मजबूर किया जाएगा। वहीं इजरायलियों को भी वाजिब डर है कि इजरायल के खिलाफ फिर से योजना बनाकर आतंकी हमले किए जाएंगे। मुझे लगता है कि हम वेस्ट बैंक में जिस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसा रहे हैं, वो इजरायली यहूदी देश के भविष्य के लिए खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। 2021 के वसंत में हालात और बिगड़ गए। इसकी शुरुआत एक विरोध प्रदर्शन से हुई। ये प्रदर्शन पूर्वी यरूशलम के शेख जर्राह इलाके में इजरायली लोगों के बसने का रास्ता बनाने के लिए फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने के कोर्ट के अनुमानित फैसले के खिलाफ था। मेरे ख्याल से शेख जर्राह यरूशलम और उसके आसपास चल रहे जातीय सफाई के अभियान का प्रतीक बन गया, खासकर इसलिए क्योंकि इसका नेतृत्व बहुत कट्टरपंथी लोगों ने किया जो वहां बसे थे और इसमें शामिल थे, और उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनका बदनाम करना, उनके हमले, वहां रहने वाले फलस्तीनियों की बेइज्जती करना, घर छीनना, फर्नीचर निकाल देना, उसे बड़ी क्रूरता से बाहर फेंकने वगैरह ने बहुत सारे लोगों को झिंझोड़ दिया कि ये तो अत्याचार की अगली कड़ी है। फलस्तीनियों ने और कुछ वामपंथी इजरायलियों ने इस बेदखली का विरोध किया। इस तनाव भरे माहौल में टेंपल माउंट में झड़पें शुरू हो गईं और इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुस गई। ये मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। हमास ने फलस्तीनी आक्रोश का फायदा उठाया। हमास को ये खुद को यरूशलम में बने पवित्र स्थल अल अक्सा का सरपरस्त दिखाने का सही मौका लगा। हमास ने रॉकेट दागे, इसराइल ने भी हमेशा की तरह जोरदार जवाब दिया। जंग फिर से छिड़ गई, जिसमें सैकड़ों मारे गए। गजा पट्टी पर हुए एक हमले में याहिया सिनवार का घर भी तबाह हो गया, लेकिन सीज फायर होते ही वो बाहर आ गया और अपने घर के मलबे पर बैठ गया। उसका भी घर हमले में तबाह हुआ था। वो मलबे में एक कुर्सी पर बैठ गया ताकि दिखा सके कि वो बच गया है और वो डटा रहेगा। तो हाँ, ये ललकारने वाली हरकत थी। इस ऑपरेशन के बाद इसराइल ने गलती से ये मान लिया
कि हमास डर कर पीछे हट जाएगा, जैसा कि उस वक्त के खुफिया प्रमुख ने 2.5 साल पहले कहा था कि वो अगले 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे। पता चला कि वो गलत साबित हुए। 2023 की शुरुआत में 7 अक्टूबर से 10 महीने पहले इजराइल अपनी चिंताओं में उलझा था। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने के मकसद से सरकार जो विवादित न्यायिक सुधार लाई थी उसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसी खुफिया रिपोर्ट थी जिनमें हमास की कही बातें थी कि वो ये बात समझते हैं कि न्यायिक सुधार पर हो रहे विवाद की वजह से इजराइल में हालात बहुत खराब हैं। उसी दौरान सुरक्षा स्थिति भी तनावपूर्ण थी। IDF की निगरानी करने वाली टीम गजा पट्टी पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। स्पॉटरों ने हमला होने के 2 या 3 हफ्ते पहले सीमा के पास हो रही सारी की सारी ट्रेनिंग देखी। उनसे कहा गया था कि सुनो, अपना मुंह बंद रखो, तुम रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि हमें पता है कि वो डरे हुए हैं और उनसे कोई खतरा नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर हम कुछ देखना ही ना चाहें तो हम नहीं देखते हैं। अगर इजराइल हमास के चैनलों, हमास टीवी और रेडियो और अखबारों को ध्यान से देख रहा था तो मुख्य नारा था जिहाद 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 जिहाद। ये बिल्कुल साफ था कि गजा में कुछ तो पक रहा है। तटों पर होने वाली लैंडिंग, नकली टैंक, घर घर जाकर लड़ना, सितंबर में हथियारबंद फलस्तीनी टुकड़ियों ने ऐसे हालात के लिए साझा अभ्यास किए। इजरायली मीडिया ने ये सैन्य अभ्यास दिखाए लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि खुफिया सेवा के पास लंबे समय से कथित जेरिको वॉल प्लान की जानकारी थी, जो एक बड़ा हमला करने के लिए हमास का ब्लूप्रिंट था। हमें प्लान का पता था। बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ लगे थे जो साफ बता रहे थे कि वो क्या योजना बना रहे हैं। इसका काफी कुछ तो राज भी नहीं था। ये सवाल कि क्या ये सामान्य ड्रिल से कहीं ज्यादा कुछ है, ये हमले के 3-4 दिन पहले पूछा गया था। खुफिया तंत्र के सभी लोगों ने कहा कि ये बस अभ्यास है, बस ट्रेनिंग है। एक बेहद गंभीर चूक जिसके भयानक नतीजे हुए। इस दौरान इजरायली सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इतने सुरक्षित कि गजा पट्टी के पास म्यूजिक फेस्टिवल रखा गया था। हम करीब आधी रात में घर से निकले थे। लोग बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। आर्टिस्ट विदेश से बुलाए गए थे और ये बहुत ही शानदार होने वाला था, जश्न मनाने का एक मौका। मैंने पूछा नहीं था कि ये कहाँ हो रहा है। फिर जब मैंने मैप पर गजा देखा तो पूछा कि हम लोग गजा के इतने पास कैसे हैं। वहाँ पहुंचकर मैंने बहुत सारे पुलिस वाले और सैनिक देखे और सोचा कि ठीक है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, सब ठीक होगा। बुरे से बुरा क्या होगा, शायद रॉकेट दाग दिए जाएं। मैं वो एहसास बता नहीं सकती। वो मेरी जिंदगी के सबसे शानदार 6 घंटे थे। हम उछल कूद रहे थे, मजे कर रहे थे। इसमें म्यूजिक के अलावा भी बहुत कुछ था। 6 अक्टूबर को करीब 4000 लोग नेगेव डेजर्ट में डांस करने के लिए इकट्ठा हुए थे, गजा की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर। सीमा के दूसरी तरफ हमास इजराइल पर हमले का पहला चरण शुरू कर रहा था। सबसे पहले उन्होंने सारे सेलफोन एक्टिवेट किए इजरायली सिम कार्ड के साथ, जो उन्होंने इजरायली बाजार में खुलेआम खरीदे थे। इजरायल के नजरिए से ये उन संकेतों में से था जिसके बाद पूरी सेना सीमा पर तैनात कर देनी चाहिए थी। वो बातचीत करने के लिए अपने फलस्तीनी फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वो इजरायल में काम नहीं करते। दिक्कत ये थी कि हम ये समझने में नाकाम रहे कि फोन एक्टिवेट करने का एक ही मकसद हो सकता है। तेल अवीव में खुफिया तंत्र के बीच हड़कंप मच गया।
हम जानते हैं कि सैन्य प्रमुखों के बीच में एक वीडियो मीटिंग हुई थी। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बहुत ही अलग हो रहा है। फिर उन्होंने अल सुबह बात करने का तय किया। तब तक देर हो चुकी थी। हमला उसी रात शुरू हो गया। सुबह करीब 4 बजे हमास के समर्थक मस्जिदों और दूसरे जगहों पर इकट्ठा होने लगे। तो हमारे सामने अविश्वसनीय हालात थे, जहां 3,000 हमास लड़ाके मस्जिद बुलाए जा रहे थे। फोन या किसी रेडियो से नहीं, बल्कि लोग भेज भेज कर। उन्हें घर से हथियार लेकर ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत दी गई थी। उन्हें तब तक नहीं पता था कि वो हमला करने जा रहे हैं। उन्हें लगा कि ये अभ्यास है। मस्जिद वो जगह है जहां उनके पास बेसमेंट में हथियार और बाकी चीजें हैं। बस कुछ कमांडरों को ही पता था कि असल में क्या हो रहा है। छोटे स्तर के बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है और उन्हें सुबह ही इसका पता चला था, भोर में ही। 6:29 पर हमास ने हजारों रॉकेट दाग दिए। उन्होंने रॉकेटों और मिसाइलों से शुरुआत की, क्योंकि उन्हें पता था कि इजरायलियों को मिसाइलों और रॉकेटों की आदत है। प्रशासन ने देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया। ये कोई आम अभियान नहीं होता है जब आप 3,000-4,000 रॉकेट दागते हैं, जिसे आप पूरे देश में टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरे देश के ऊपर से मिसाइलें गुजर रही थीं, तो बहुत सारे लोग उस वक्त समझ गए थे कि घुसपैठ होने वाली है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घुसपैठ होगी। इतने रॉकेट दागने का उद्देश्य ऑपरेशन के असल मकसद को छिपाना था। हमास लड़ाकों ने हवाई ड्रोनों से टावरों पर बम गिराए, जिससे कैमरे, सेंसर और अपने आप चलने वाली बंदूकें खराब हो गईं। हमास ने बड़ी चालाकी से हमले के शुरुआती पलों में ही उन सेंसरों पर हमला करने की योजना बनाई थी। गोली मारना बहुत सिंपल। हमास के करीब 3,000 हथियारबंद लड़ाके और अन्य मिलिशिया सीमा पर लगी बाड़ की तरफ बढ़े। जब वो बाढ़ के ऊपर थे, तब उन्होंने सारे लड़ाकों को बताया कि ये अभ्यास नहीं है, हम अंदर जा रहे हैं। फिर उन्होंने बाढ़ की दर्जनों जगहों पर धमाका करके उसे उड़ा दिया। सिनवार ने मेरे ख्याल से बिल्कुल आखिरी पलों में तय किया कि वो 4-5 के बजाय 60 जगहों से इसराइल में घुसेंगे, ताकि लोगों को अगवा करके वापस लौटा जा सके और फिर अदला बदली की बातचीत की जाए। हर यूनिट के पास एक खास जगह की जिम्मेदारी थी। तुम उस मिलिट्री बेस के इंचार्ज हो, तुम उस शहर के इंचार्ज हो, तुम उस किबुत्स के इंचार्ज हो, तो सबके पास एक जिम्मेदारी थी। वो स्कूटरों और पिकअप ट्रकों से इसराइल में घुस आए। उन्हें दूसरे मिशनों के बारे में नहीं पता था। उनका ध्यान अपने खास काम पर केंद्रित था। इस तरह ये इतना सुनियोजित था। हमास के हजारों आतंकियों ने सीमा पर हमला कर दिया। हमास को पता था कि इजरायली सेना पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर को यहूदी छुट्टी होती है और बहुत सारे सैनिक पहले ही वेस्ट बैंक में तैनात किए जा चुके थे। कमजोर चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। फिर उन्होंने मोटर से चलने वाले पैराग्लाइडरों से हमला किया। रास्ते में वो म्यूजिक फेस्टिवल पहुँच गए। ये सरप्राइज था। उन्हें इस पार्टी या इस फेस्टिवल की जानकारी पहले से नहीं थी, लेकिन ये उनके लिए अच्छा था। यहाँ हजारों टारगेट थे। फेस्टिवल के आयोजकों को बताया गया कि ऐसा हमला हो रहा है। अचानक म्यूजिक बंद हो गया। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। मैंने आसमान देखा और लगा जैसे आतिशबाजी हो रही हो। गजा में कौन पार्टी कर रहा है? कौन? कौन? हम डांस फ्लोर के पास थे और हमने एक ड्रोन देखकर हाथ हिलाया। हमें लगा कि ये इवेंट का हिस्सा है और वो फेस्टिवल में फोटो खींच रहा है।
यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कार में बैठो दोस्तों। फिर हमें गोलियाँ और पास से सुनाई देने लगी। मैं बता रही हूँ, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। अचानक हमारे सामने एक ट्रक आ गया। वो हमारी ओर दौड़े और कार पर गोलियाँ चलाई। हम कार से कूदकर भागने लगे। मेरे आसपास लोग गिर पड़ रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं जमीन पर बैठ गई। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं भाग नहीं पा रही थी। हर जगह धुआं धुआं था। मेरे ऊपर से गोलियां निकल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी आंखों के सामने से गुजरती नहीं दिखी जैसा लोग बताते हैं कि दिखती है। मैं वहीं पड़ी रही और सोचती रही, क्या मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ। हमास ने 350 से ज्यादा युवा मार डाले। ये नरसंहार था। फेस्टिवल से करीब 40 लोग बंधक बनाकर गजा ले जाए गए। बहुत सारे लड़ाके खुली बाड़ से इसराइल में घुस आए थे। जब ये शुरू हो गया तो इसने दूसरों को भी ललचाया। फिर अचानक जिन लोगों को कभी ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उन्होंने सीमा पार की। उन्होंने जाकर वहाँ मौजूद असहाय पीड़ितों पर अपनी हताशा और गुस्सा निकाला। इजरायली गांव और कस्बे सीमा के बहुत पास हैं। कहीं चलकर कहीं दौड़कर 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। उन्हें बस कई ठिकानों से घुसना भर था, फिर वो किबुत्स के भीतर पहुंच जाते। एक बार आप पार कर गए तो दूसरी तरफ युद्ध का जंगल बन जाता है। हमास के आतंकियों ने नीर ओज किबुत्स पर भी हमला किया। बहुत सारे लोग अब भी सोए हुए थे। आतंकियों को जो भी दिखा उन्होंने भून डाला। मुझे अरबी में चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, चीखें, भयानक शोर, धमाके। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ रॉकेट नहीं दग रहे हैं। करीब 1 घंटे चलकर हम 2 मुख्य किबुत्स में घुसने में सफल रहे हैं, नीर ओज और नीर आम। हम इन बसाहटों के बीचों बीच खड़े हैं। सुबह 8:30 बजे मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे मैसेज भेजा। वो हमारे बच्चों के साथ थे और उन्होंने कहा कि घर में एक आतंकवादी है। वो सेफ रूम की खिड़की से कूदकर बाहर चले गए हैं और झाड़ियों में छिपे हैं। बिजली नहीं आ रही थी, एसी बंद था, अंधेरा था, गर्मी थी और मैं उन्हें आते हुए सुन सकती थी। वो मेरे घर में थे। वो हड़बड़ी में नहीं थे, ये बात मेरे जहन में अटक गई। वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं थे। वो ऐसे घूम रहे थे जैसे ये उनका गांव हो। वो आसपास घूमे और बेतकल्लुफी से जाने लेते गए। उन्होंने लूटा, वो अपने साथ पूरा गांव ले आए थे। जवान, बच्चे, बूढ़े, सब, हर कोई वहां था और कोई हमें बचाने नहीं आया। जब मैं बाहर गई तो मैंने घरों को और पार्क की हुई कारों को जलते देखा। सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था। जलाई गई, विकृत की गई लाशें। तब मुझे एहसास होने लगा कि किस हद तक तबाही हुई है। शोआ, हम शोआ भुगत रहे थे। इसके लिए कोई और शब्द नहीं है। मैंने अपने परिवार को फोन किया, लेकिन मेरे बच्चों ने फोन नहीं उठाया। उनके पिता ने फोन नहीं उठाया। मेरी माँ ने फोन नहीं उठाया। मेरे परिवार के 5 सदस्य गायब हो गए थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ हैं। मेरी माँ 80 साल की हैं। 13 साल की मेरी भतीजी नोया को ऑटिज्म है। ओफर, मेरे बच्चों के पिता, एरेज, मेरा 12 साल का बेटा और मेरी 16 साल की बेटी सहर। मैं घबरा गई।
उसके कुछ ही देर बाद इंटरनेट पर एक वीडियो दिखा। इसमें दिखा कि मेरा बेटा एरेज अगवा कर लिया गया है। पांच दिनों बाद मुझे आधिकारिक रूप से बताया गया कि वो बंधक बना लिए गए हैं। 18 अक्टूबर को हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे बताया गया कि मेरी माँ और नोया एक शेल्टर के भीतर खून में सनी हुई मिली हैं। आतंकियों ने बच्चों से लेकर बूढ़े इजरायलियों तक को अगवा किया और गजा ले गए। उन्होंने 10 या 20 लोगों को पकड़ने की योजना बनाई थी। उन्हें यही ऑर्डर मिले थे। उनका 240 बंधक बनाना रणनीतिक रूप से हैरानी भरा था, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। लगभग हर इजरायली मारे गए और बंधक बनाए गए लोगों में से किसी न किसी को जानता है। 7 अक्टूबर शोवा यानी होलोकॉस्ट के बाद से यहूदी इतिहास का सबसे खूनी दिन है। इजरायल को सदमा लगा था। एक और आघात, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये अब भी किसी सपने, बुरे सपने जैसा लगता है। सैनिक, नागरिक, औरतें, बच्चे, हमास के लिए वो सभी अत्याचार करने के वाजिब टारगेट थे। ये नरसंहार था, ये कोई सैन्य अभियान नहीं था, और ये भयानक था। हमास और इस्लामी जिहाद के आतंकी लोगों को मारते हुए और बंधक बनाते हुए इसराइल के भीतर 18 किलोमीटर तक घुस आए थे। ये बड़ा इलाका था। 48 घंटों के लिए पूरे दक्षिणी नगेव पर कब्जा कर लिया गया था। ये नरसंहार था। जल्द ही हर कोई पूछने लगा कि इजरायली सरकार ने ऐसा होने कैसे दिया। ये कई चीजों का मिश्रण था, मर्फी लॉ जैसा। जो कुछ भी गलत हो सकता है वो उस दिन हुआ। पर्याप्त सैनिक नहीं थे, लोग अपनी जगहों पर नहीं थे। ये छुट्टी वाले दिन की सुबह थी। इजरायल ने बहुत ही छोटी घटनाओं के लिए तैयारी कर रखी थी, जंग छिड़ जाने के लिए नहीं। इजरायल के लोगों, हम युद्ध में हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, लड़ाई का दौर नहीं है, ये जंग है। दुश्मन इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकाएगा। इजरायल ने काबू पाने, चौकियां जीतने और बंधक छुड़ाने की कोशिश की। वो भावना सदमे, शर्म, बदले और नाकामी का मिश्रण थी, क्योंकि इजरायल को भीतर तक झकझोर दिया गया था। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करने में 3 हफ्ते लग गए। गजा पट्टी पूरी तरह बंद कर दी गई थी। जवाबी हमले के लिए 360,000 रिजर्व सैनिक जुटाए गए। मुझे लगता है कि इजरायली नेतृत्व आतंकवादी खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन ये बात नजरअंदाज करनी मुश्किल है कि इसमें बदले की भावना है। जब आप युद्ध की रणनीति बना रहे हो तो बदले की भावना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। ये सोचना बचकाना होगा कि कोई भी बदला नहीं लेना चाहता था। ये मानवीय आवेग है, लेकिन जीतने के लिए ये अच्छी रणनीति नहीं है। मैं बहुत आशंकित थी और मुझे इजरायलियों से बदला लेने वाली प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने गजा में अपने कजन को फोन करके कहा था कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो।
बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। हत्याकांड के कुछ ही घंटे बाद इसराइल ने गजा पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए। 3 हफ्ते बाद इसराइल ने हजारों सैनिकों के साथ जमीनी कार्रवाई शुरू की। गजा जंग का मैदान बन गया और मलबे में तब्दील हो गया। इजरायली सेना ने सुरंगों का नेटवर्क खत्म करना शुरू किया। उन्होंने सबसे बड़े दुश्मन याहिया सिनवार का भी पीछा किया, लेकिन वीडियो से पता चला कि वो और उसका परिवार गजा मेट्रो के रास्ते भाग निकले थे। इसका सुरंगों में लगे VDR कैमरों से पता चला था जिनमें हम घुसे थे। ये वीडियो 7 या 8 अक्टूबर को बनाया गया था। ये कई हफ्तों बाद मिला था। तब तक सिनवार कहीं और पहुंच गया था और वो तब से नहीं दिखा है। मुझे लगता है कि इसराइल उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन ये वो शख्स नहीं है जो अपने बिस्तर में मारा जाएगा। वो बंकर में है। जो चाहे खान यूनिस में हो या राफा में, मैं नहीं जानता। वो सारी सुरंगों को दूसरों से बेहतर जानता है और यकीनन वो बंधकों से घिरा हुआ होगा। मुझे अपनी जानकारी पर भरोसा है कि वो उस तक पहुंच सकते थे, लेकिन बंधकों की जान के डर से उन्होंने इससे परहेज किया। इसराइल में 7 अक्टूबर के नरसंहार का एक चेहरा भी है। तेल अवीव में लगे इस बड़े से बैनर पर लिखा है, सोचिए इस बंटवारे से किसे फायदा हुआ, अब एक हो। सिनवार हमास के लिए बहुत ही अहम प्रतीक है, लेकिन खासकर इसराइली लोगों के लिए। तो हम उसे पकड़ने की कथित जरूरत को समझ सकते हैं, ताकि सुरक्षित महसूस किया जा सके। To feel safe. सिर्फ एक शख्स पर ध्यान लगाकर कहना कि अगर उसे पकड़ लिया तो हम जीत जाएंगे, ये मेरे ख्याल से बचकाना है। मेरे ख्याल से सिनवार उसी तरह अहम है जैसे बिन लादेन अहम था। वो एक प्रतीक है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें जंग खींचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम उसे 10 साल बाद पकड़ पाएं। यकीनन इसराइल ने गलती की कि उसने बंधक छुड़ाने और सिनवार और उसके सहयोगियों को मारने की खातिर सर्जिकल स्ट्राइक करने के ज्यादा बेहतर और चालाक तरीके नहीं खोजे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा पट्टी पर हवाई हमलों और चढ़ाई में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 90,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। इसराइल बड़े पैमाने पर किए गए अपने हमलों का ये कहकर बचाव करता है कि हमास आम लोगों के बीच में छिपा हुआ है। 70,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लाखों लोग बेघर हैं। हर जगह भूख, बीमारी और निराशा फैली है। मैं अभी गजा में रह रहे लोगों के डर और सदमे का अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूं, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि किस पल वो या उनके परिवार के लोग मारे जा सकते हैं। मैंने अपने परिवार के 70 सदस्य खो दिए। हमारे सारे घर चले गए। हमने अपना सब कुछ खो दिया। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बुरा पहलू ये है कि इसे टीवी पर दिखाया जा रहा है। हर किसी को इसका पता है। कोई भी अपनी स्क्रीन पर देख सकता है कि गजा में क्या हो रहा है और दुनिया इसे रोक नहीं पाई है। गजा की एक और पीढ़ी जंग में रह रही है, सदमा झेल रही है और कट्टरपंथ के लिए अनुकूल बन रही है। इससे इसराइल सुरक्षित नहीं बनेगा। ये कहना ठीक होगा कि जो लोग अभी इसराइल की मार झेल रहे हैं वो भविष्य में इसराइल विरोधी बनेंगे। ये सटीक है। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। कोई साफ लक्ष्य भी नहीं दिखता। नेतन्याहू क्या चाहते हैं? इसराइल क्या चाहता है? क्या वे सारे फिलिस्तीनियों को खत्म कर देना चाहते हैं या क्या मामला है? बशर अल बलबीसी भी बमबारी से भागे लोगों में से हैं। यहाँ पर हमला हुआ है। गोलाबारी भी हो रही थी। बहुत शोर हुआ। यहाँ हालात खतरनाक हैं। यहाँ रहना खतरनाक है। अगर कोई लौटने की सोच रहा है तो वो भी खतरनाक है।
जंग से पहले ये बड़ी जेल जैसा था, तीन तरफ से बाढ़ से और चौथी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। जंग ने इसे छोटी जेल में बदल दिया है। अब ऊपर से हवाई जहाज बम गिरा रहे हैं और हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। बशर अब दक्षिण में रहते हैं, उत्तर में उनका घर बिल्कुल तबाह हो चुका है। सबसे बुरी बात है कि आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, आप कहां रहेंगे, आप फिर कभी घर लौटेंगे या नहीं। हम ये जाने बिना ही चले आए कि हम वापस नहीं आएंगे। हमने नहीं सोचा था कि ये 6 महीने चलेगा। हमने खुद से कहा कि शायद कुछ दिन, 2 हफ्ते और फिर हम लौट आएंगे। हम अपने कपड़े तक साथ नहीं लाए थे, कोई दस्तावेज नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, अपनी कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं लाए थे। 7 अक्टूबर के बाद से लाखों लोग शरण की तलाश में गजा से भाग रहे हैं। खाने की, पानी की और दवाइयों की कमी है। ये गजा शहर के आम लोग हैं, वो 200 दिनों से अपने पैरों पर खड़े हैं और ये आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। उनमें तकलीफ और थकान भरी हुई है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने फिर से वहाँ रहने की उम्मीद खो दी है, क्योंकि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं बचा था। लगातार बमबारी हो रही थी, हर जगह मौत और विध्वंस था। गजा में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। उत्तर में बहुत ही ज्यादा खतरा था, वो उत्तरी गजा से सारी की सारी आबादी को खदेड़ना चाहते थे। बशर और उनका परिवार 3 जगहों से भाग चुका है। अभी वो यहाँ तट पर कैंप में रह रहे हैं। जंग से पहले इन जगहों पर कोई नहीं रहता था। हम विस्थापन का सबसे भयानक रूप झेल रहे हैं, सबसे भयानक तरीके से। हमें इतनी क्रूरता झेलनी पड़ती है। इस जंग में कोई विजेता नहीं है। फलस्तीनी बहुत सारी मौतों और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। इसराइल अपने मरने वालों का शोक मना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि जिन बंधकों को हमास ने सुरंगों में रखा है वो घर लौट आएंगे। लोगों को बंधक बनाया जाना इसराइलियों के लिए भयानक अनुभव था। ये ख्याल ही कि आज भी गजा की सुरंगों में बंधक हैं, आज भी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसराइली इसे बर्दाश्त कर सकता है। हम निर्दोष आम नागरिकों की बात कर रहे हैं, जिनका एक क्रूर आतंकी संगठन ने अपहरण कर लिया है। वो पीड़ित हैं, अपमान बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। इसराइल एक तरह की उदासी, एक तरह के अवसाद में चला गया है। अगवा किए गए लोगों के चेहरे सड़कों पर चारों तरफ देखे जा सकते हैं। यहाँ सबको उनका नाम पता है, उनकी कहानी पता है, उनके रिश्तेदार खासकर नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे यहाँ तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर। ये धुर दक्षिण पंथी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती है, इसका ध्यान बंधकों को वापस लाने पर नहीं है। नेतन्याहू ने बंधकों की परवाह नहीं की, या कम से कम ये समझा कि बंधकों की परवाह करने पर वो हमास को मिटाने का अपना जंगी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपने सारा नेतन्याहू को परिवारों से ये कहते सुना कि आप लोग सिनवार का काम आसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चों के माता पिता से कहने के लिए ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके मूल में क्या है। यकीनन सिनवार और दूसरे लोग जानते हैं कि हम संवेदनशील हैं। वो जानते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं और उन्हें पता है कि लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जाहिर है। परिवार विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ये बिन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के मुख्यालय के सामने हुआ विरोध प्रदर्शन है। लोगों के बंधक बनाए जाने ने होलोकॉस्ट का सदमा ताज़ा कर दिया है।
हमास बंधकों के वीडियो लगातार पोस्ट करके एक बेहद क्रूर एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। इस तरीके से वो इजरायली लोगों का चैन छीन रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो हमें बहुत दर्द दे रहे हैं, मतलब हमें कमजोर करने के लिए वो जो भी कर सकते हैं उसकी कोशिश साफ दिख रही है और कारगर है। उम्मीद की ये रोशनियां इसराइल को हताश कर रही हैं। हदस कॉल्डेरोन के एक्स हस्बैंड अब भी हमास की कैद में हैं। नवंबर के आखिरी में उनके बच्चों समेत 108 बंधक रिहा कराए गए थे फलस्तीनी कैदियों के बदले। मेरे बच्चे 52 दिनों तक लापता थे, फिर वो घर लौटे। हम एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोए। एरेज सदमे में था, वो मुस्कुराया पर वो सदमे में था। उसके बाद से वो आज तक रो नहीं पाया है। सहर तुरंत रो पड़ी और उसका रोना थमा ही नहीं। वो बातें करते रहे। वो लौट आए हैं लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। उनके मन में 7 अक्टूबर कौंधता रहता है। वो अनिश्चितता और डर में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि आतंकवादी किसी भी पल फिर से हमला कर देंगे। उनका घर अब सुरक्षित जगह नहीं रह गया है। उनकी मासूमियत छीन ली गई है, उसे वाकई उनसे छीन लिया गया है। अब उनमें कोई खुशी नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे खुद भी एहसास होता है कि अब हमें किसी चीज से खुशी नहीं मिलती है। पहले हम छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होता, कभी नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज का स्विच बंद हो गया हो। हमारी लड़ाई अभी बाकी है, इनके पिता अब भी वही हैं। आप ऐसे दर्द से नहीं लड़ सकते। 75 साल हो चुके हैं जब से इजराइल और फलस्तीन एक दूसरे को तकलीफ देने का सिलसिला जारी रखे हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन से सदमे में हूँ। मैं होलोकॉस्ट की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ। मैं जंग में पला बढ़ा। मैं जंग में एक सैनिक रहा। मैं तो शुरुआत से ही सदमे में हूँ। न्यू रिसर्च इन एपिजेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स के नए रिसर्च पुष्टि करते हैं कि सदमे का असर अगली कुछ पीढ़ियों तक रह सकता है। ये एक पीढ़ी से अगली कुछ पीढ़ियों में जाता है। मेरा अनुमान है कि हम फलस्तीनी इन सभी रूपों से पीड़ित हैं। 7 अक्टूबर और गजा में जारी युद्ध ने ये तय कर दिया है कि युवा इसराइलियों और फलस्तीनियों की एक और पीढ़ी सदमे का शिकार रहेगी। मिखाल पहली बार हत्याओं वाली जगह लौटी हैं। वो थोड़ी ही दूर चल रहा गजा युद्ध सुन सकती हैं। ये वो जख्म है जो ता उम्र मेरे साथ रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैं फिर कभी नहीं देखूंगी। उन्होंने जो झेला वो उससे निपटने की कोशिश कर रही हैं। मैं तकलीफ और डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, यही वो चाहते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने सोचा कि मैं कहानी बताने के लिए निजी तौर पर क्या कर सकती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि असल में क्या हुआ था। साथ ही अपने दोस्तों को याद करने के लिए जो अब साथ नहीं हैं, उन औरतों की आवाज बनने के लिए जो अब बोल नहीं सकती। मैं ऐसे ही ठीक हो सकती हूँ। हेलो साथियों, आने के लिए शुक्रिया।
मैं यहाँ अपनी कहानी बताने आई थी और यकीन नहीं होता कि ऐसा वाकई हुआ था। यकीन नहीं होता। मैं वो वीडियो देखती हूँ जिनमें मैं हूँ। मैं उनमें देखती हूँ कि ये हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी भी बुराई मौजूद है, क्योंकि वो लोग यहाँ सिर्फ मारने नहीं आए थे, वो हमें अपाहिज करने, अपमानित करने, नीचा दिखाने आए थे। अगर पेड़ बोल सकते, क्या माफी का कोई रास्ता है? लोगों ने जो कुछ झेला है उसके बाद तो ये नामुमकिन लगता है। सदमे से जुड़े शोध बताते हैं कि चोट खाए लोगों के दूसरों को चोट पहुंचाने का खतरा ज्यादा होता है। ये दावा कि पीड़ित लोग पीड़ा देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर पीड़ित इंसान दूसरों को पीड़ा देगा ही। अगर आप चोट खाए हुए हैं और ऊपर से आपको पढ़ाया गया है कि आपको कुछ खास लोगों के खिलाफ हिंसक रहना है, आपको ये भी पढ़ाया गया है कि आपका परिवार भी चोट खाया हुआ है और आपके लोग भी चोट खाए हुए हैं, और आपको अपने इतिहास के बारे में इस तरह पता चलता है जिससे आपकी शिकायतें बढ़ती हैं और आप बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस करने लगते हैं, तो ये सब कुछ निश्चित रूप से इस दिशा में ले जाएगा कि आप दूसरों को चोट पहुँचाएंगे। मैंने दुनिया भर में बहुत सारे अपराधियों के इंटरव्यू लिए हैं और मैंने पाया है कि सारे के सारे अपराधी खुद को पीड़ित की तरह देखते हैं। अपराधियों के सरगना इसी का इस्तेमाल करके लोगों को भर्ती करते हैं। वो लड़ाकों को संगठित करने के लिए उन्हें अपने उत्पीड़न की कहानी सुनाते हैं। मैं कहूंगी कि मैंने ये बात सबसे ज्यादा इसराइल में यहूदी चरमपंथियों और हमास के सदस्यों के साथ बातचीत में नोटिस की। जब सदमा किसी पहचान, पीड़ित होने की पहचान का आधार होता है, तो ये आपको दूसरों के प्रति संवेदना रखने से रोकता है, क्योंकि आप खुद पीड़ित हैं। पीड़ित को अत्याचार करने वाले के प्रति संवेदना क्यों ही महसूस होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप पीड़ित हैं, तो दूसरा व्यक्ति अत्याचारी है। कोई भी पक्ष अपनी की गई हिंसा की जिम्मेदारी नहीं लेता है। हिंसा जो इतनी ज्यादा है कि सदमा पहुँचाती है, जिसके ऐसे नतीजे हैं जिनके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बजाय दोनों ही पक्ष खुद को पीड़ित मानते हैं, जो उनके हिंसा को आधार देता है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। खुद को हमेशा पीड़ित और दूसरे को अत्याचारी की तरह देखने का नतीजा ये होता है कि अत्याचार करना मुमकिन हो जाता है। मेरे ख्याल से ये दोनों पक्षों पर लागू होता है। बशर अपने तरीके से सदमे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप में बच्चों के साथ डांस करके। खासकर बच्चों को डांस सिखाने में क्या मुश्किलें आएंगी, ये टीचर पर निर्भर करता है। टीचर बहुत ही ज्यादा दबाव में हैं। उन्हें बच्चों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना आना चाहिए। उनकी सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, और अब वो सारे एक साथ यहाँ हैं। तो पढ़ाते समय मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे उनको लगातार दिखाना होता है कि मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ, जो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, ताकि वे भी डांस से उतना ही प्यार करने लगें जितना मैं करता हूँ। तैयार हो? हेलो। मैं अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने के लिए पारंपरिक दाब का डांस इस्तेमाल करता हूँ। यही हमें पार लगा सकता है। एक दो, एक दो। इन हालात में भी हम उनके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि वो सब खुश हैं और हमारा बनाया माहौल एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि उनके जहनों में वो जंग से बहुत दूर हैं। क्या कोई उम्मीद है, कोई भी रास्ता?
मुझे लगता है कि युद्ध के दोनों पक्ष, जो दोनों ही बुरी तरह से चोट खाए हुए हैं, एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता खोज सकते हैं। इस साझे सदमे के साए में वे एक दूसरे के लिए सहानुभूति पैदा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल में और फलस्तीनियों के बीच इसका ठीक उल्टा हुआ है। सहानुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि इसी के बूते लोग एक दूसरे से फिर से बातचीत करना शुरू करेंगे। दोनों ही समाजों का एक दूसरे के सदमे को समझना सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत ही अहम है। इसमें कोई शक नहीं, दोनों ही पक्षों में कुछ समूह हैं जो छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके बच्चे बच्चियाँ मारे गए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और मुझे निकट भविष्य में इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ट्रॉमा थेरेपी से ही शांति हासिल की जा सकती है। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। मैं मानता हूं कि शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए, तभी कोई अपने अपने सदमे से निपटना शुरू कर सकता है। हम अभी वहां नहीं है।